हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चरक सूत्र अध्याय नंबर 3। ठीक, तो उसमें हम सबसे पहले उसके चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, अर्थात अरगवर्धीय अध्यायनम। ठीक है, जब हमने लास्ट चैप्टर जो था हमारा चरक सूत्र 2 में, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो अंत परिमार्जन का वर्णन है तो वो कहाँ आता है, सेकेंड चैप्टर में। जो बहिरे परिमार्जन का वर्णन है वो कहाँ आता है, थर्ड चैप्टर में। और उभय मीन्स दोनों का कहाँ आता है, हमारे फोर्थ चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अंत परिमार्जन की, ठीक है, तो उसका कहाँ था, चैप्टर नंबर 2 में, जहाँ जवागु था। लेकिन इसमें एक विमर्श में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि चरक सूत्र जो 11 हैं, ठीक है ना, उसमें जो औषध है वो 3 प्रकार से बताई गई है, अंत परिमार्जन, बहिरे परिमार्जन और शस्त्र प्राणी धान। ठीक है, तो उन्होंने वही बोला कि अंत परिमार्जन आप लोग जवागु पढ़ चुके हैं, पेय और जवागु जो पंचकर्म के द्रव्य पढ़ चुके हैं। और बहिरे परिमार्जन में क्या आ जाता है कि सब चूरन और प्रलेप का वर्णन जो किया गया है वो किस में है, बहिरे परिमार्जन में। जैसे हमने जो लास्ट चैप्टर था उसमें 28 जीवागुओं का वर्णन किया था, वैसे इस चैप्टर में कितना है, 32 जीवागुओं का, 32 चूरनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो 32 चूरन बताए गए हैं उनमें से क्या है, जो पहले 6 चूरन आते हैं तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कुष्ठहर। कौन से होते हैं, कुष्ठहर। इसका जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि जो पहले 6 चूरन होते हैं, ठीक है ना, जो 6 चूरन होते हैं उसमें किसकी भावना दी जाती है, तो उसमें दी जाती है गरोचन गोपित। जो हाईलाइट किया उसमें देखो क्या लिखा है कि गोपित गरोचन के द्रव्य से भावित करके, ठीक है ना, कि उनसे क्या करते हैं, भावित कर लेते हैं और पुनः पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर चून करके घर्षण किए के जाने पर क्या होता है, यह चिकित्सा वर्ग के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना कि जो पहले 6 चूरन होंगे तो वो किसके लिए आए थे, कुष्ठ के लिए। और उनको कौन सा लगाना चाहिए, उनको लगाना चाहिए मतलब उसको भावना किससे देनी चाहिए, तो भावना द्रव्य आ जाता हमारा गरोचन। नेक्स्ट देखो इम्पोर्टेंट है कि मनाशिला। तो मनाशिला उन्होंने बोला कि मनाशिला लेप, और याद रखना लेप की बात हो रही है, मनाशिला आदि लेप और तूथ आदि लेप, तो ये भी किसके लिए होता है, ये भी क्या होता है, कुष्ठ हर के लिए होता है। याद रखना कि जो मनाशिला आदि धूम होता है और मनाशिला आदि घृत होता है, जो मनाशिला आदि धूम होगा तो वातजकास के लिए और जो मनाशिला घृत होगा तो वो क्या आ जाता है, श्वास के लिए बताया गया है। नेक्स्ट जो रसांजन है वो भी किसके लिए, रसांजन आदि जो ले है वो भी किसके लिए है, वो भी सकुष्ठम। ठीक है, नेक्स्ट अगला था अरगवद आदि लेप। ये इंपॉर्टेंट है, इसके कंटेंट भी आपको याद होने चाहिए। तो अरगवद आदि लेप में बस इतना याद करने के लिए जो नीचे ये लिखा हुआ मेमोनिक इसको देख लो, अरगवद लेप से चतुर काका ने अश्व का वध किया, किसी को पता नहीं चला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, चतुर काका, तो चतुर से क्या आएगा, चतुर अंगले आ गया। ठीक है, काका से आ गया हमारा काकमाच्य। ठीक है, तो और पता नहीं चला, तो पता से, प से क्या आ जाएगा, पत्र, की हमने इसके क्या लिए हैं, पत्र लिए हैं। ठीक है, पता नहीं चला, तो ये भी किसके लिए है, रगवत भी क्या है, ये देखो नीचे किया हुआ है, दैट इज़ कुष्ठ के लिए। किसके लिए बताया गया है, कुष्ठ के लिए बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कोल आदि लेप। जो कोल आदि लेप होता है वो किसके लिए होता है, कि वात विकारों के लिए, किसके लिए होता है, वात विकारों को दूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है कि वात व्याधिहर लेप कौन सा होता है। ठीक है ना, क्या आ जाता है, वात व्याधिहर लेप कौन सा होता है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया यहाँ पर, देखो क्या वर्ड लिखा है, दैट इज़ अ वेशवार। वेशवार, तो वेशवार क्या होता है, वेशवार हम वैसे वैशज्य कल्पना में पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ भी आए तो देख लेते। तो वेशवार उन्होंने बोला है कि निरहस्ति, मतलब कि हमने क्या लेना है, ऐसा मांस लेना है जो क्या है, निरअस्थि, उसकी अस्थियों को निकाल देना है और उसके बाद क्या है, उसके बाद इसको क्या है ना, पिष्ट, मतलब पिष्टी रूप में बना लेना है। और इसको क्या है, इसको गुड़ घृत और आगे इन्होंने लिखा कि कृष्णा मरीच से संयुक्त करके उसको हम क्या बोल देते हैं, वेशवार बोल देते हैं। और इसकी क्या है, इसकी रेशो बताई गई है, रेशो कितनी होती है,